सब्जेक्ट मैथ कंटिन्यू द मैथ क्लास चैप्टर फर्स्ट मोर ऑन लार्ज नंबर्स सर्कल द लार्ज नंबर अब लार्जर सर्कल द लार्जर नंबर सपोजिंग इन लास्ट क्लासेस यू हैव लर्न 47 एंड 28 एंड 32 विच नंबर इज लार्जर हियर ऑब्वियसली 28, 32, 47 तो यहां पर जो लार्ज नंबर है वो 47 लेकिन अब आप फिफ्थ क्लास में हो गए हो तो आपको फिफ्थ क्लास के अकॉर्डिंग लार्ज नंबर देखना ओनली आपको वन स्टेंस के नंबर नहीं बल्कि 1000, 10,000 लार्ज नंबर गिवन होंगे और उसमें से आपने लार्जर नंबर नॉट द लार्जेस्ट लार्जर नंबर को सर्कल करना है कमन क्वेश्चन नंबर टू सर्कल द लार्जर नंबर इट इज गिवन इन योर मैथ बुक पेज नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हियर गिवन 54, 251 वन नंबर इज एंड सेमी कॉलन जो है वो नंबर को डिफरेंट सेपरेट कर रहा है 23, 5, 5, 7, 4 वी हैव टू नंबर वन इज दिस एंड वन इज दैट हमें लार्जर नंबर को गेट करने के लिए हमें वही टेबल को समझना होगा जो टेबल स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाई वंस 10,000, 10,000 lakh, 10 lakh एक्सेप्टा हियर वी हैव नंबर 54, 251, 23, 574 अब इसमें से हमने दोनों नंबर वी हैव टू नंबर वन नंबर इज दिस एंड वन नंबर इज द सेकेंड नंबर इज दिस फर्स्ट वी रीड दिस नंबर वी मेक ए टेबल वंस वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड ओके अब नाउ वंस के कॉर्नर में 1, 5, 2, 4, 5 हियर 54,251 एंड द सेकेंड नंबर 23,574 वी हैव टू नंबर्स हियर विच नंबर इज लार्जर ऑब्वियसली हमें लार्जर नंबर को देखने के लिए हमें वंस के कॉलम में 1 है या 4 है तो 1 के कॉलम से नहीं होगा ऑब्वियसली 54,000 और 23,000 यहां से हमें टेंस और हंड्रेड लास्ट डिजिट पर हमें जाना होगा लास्ट डिजिट को देखकर हम लार्जर नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं तो हियर विच नंबर इज लार्जर 54,251 इज लार्जर देन 23,574 अगर हम कंपेयर करते हैं तो दिस नंबर इज लार्जर विच नंबर इज लार्जर 54,251 इज लार्जर हमारे पास क्वेश्चन क्या है सर्कल द लार्जर नंबर सिमिलर द नेक्स्ट इज 906 एंड 524 वन नंबर एंड सेकेंड नंबर इज 35 एंड कॉमा 264 फर्स्ट वी टू गेट द लार्जर नंबर वी हैव टू रीड दिस नंबर एंड मेक ए टेबल वंस हाउस प्लेस के अकॉर्डिंग वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक इन दिस नंबर हम वी रीड दिस नंबर दिस टाइम 9,06,524 द सेकेंड नंबर इज दैट वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड तो 35,264 इस नंबर में लैक आ रहा है और इसमें थाउजेंड तक ही एंडिंग है तो ऑब्वियसली है लैक वाला नंबर जो होगा वो लार्जर होगा 9,06,000
6524 is larger than 35264. तो गाइस ये आपको लार्जर नंबर गेट करने के लिए आपको टेबल से ही समझना होगा कि वंस के कॉलम में टेंस के कॉलम में अगर सपोजिंग मेरे पास 42 है और 95 है ये नंबर है तो ये तो बहुत स्मॉल है. यू हैव डन दिस इन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास भाई आप इमीडिएटली आप बोल सकते हो मैम 95 इज लार्जर. हाउ यू कैन दिस बट वंस के कॉलम में 2 है यहां वंस के कॉलम में 5 है बट 10 के कॉलम में यहां 4 है यहां 10 के कॉलम में 9 है. सो 10 के कॉलम जो होता है इसको लार्ज का नंबर क्रिएट कर रहा है तो सो 95 इज लार्जर देन 45. सिमिलर वी गो ऑन 100 हेयर 754 एंड इन हेयर 269. अब एनीवन आस्क यू व्हिच नंबर इज लार्जर हेयर 754 इज लार्जर देन 269. हाउ हेयर वंस कॉलम 4 हेयर 9 देयर इज नो डिफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ता इससे हम सिर्फ वंस के कॉलम को देखकर हम बड़ा छोटा नहीं बता सकते हमें लास्ट डिजिट को देखकर हम बता सकते हमेशा हमारे पास जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट क्या है. अगर वो लास्ट डिजिट 10 में जैसे सपोजिंग यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 2 है और लास्ट डिजिट 4 है या फर्स्ट डिजिट 5 है और लास्ट डिजिट 9 है तो ऑब्वियसली ये लास्ट डिजिट लार्ज है तो नंबर भी ये पूरा लार्ज रहेगा. इसी तरह आपने यहां पर देखा कि यहां पर भी 54 यहां था 1251 और यहां पर 9,06,000 तो लास्ट डिजिट जो है इससे लार्जर है. सो दिस नंबर इज लार्जर. तो लार्जर और स्मॉलर नंबर के लिए दो प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस यू कैन लर्न दिस. नेक्स्ट सिमिलर इसी क्वेश्चन से मैच करता हुआ है नेक्स्ट. नेक्स्ट में क्या है हमें we have two number here next topic is that question number 3 here put the sign greater and smaller. This sign shows greater and smaller. ये sign है ये greater और smaller को show करता है और boxes के अंदर है. यहाँ we have 63,421 और next is 63,412. See here. We have number here 63,421 here 63,412. अब यहां पर आपको लास्ट डिजिट इज सेम एंड हेयर इज ऑल्सो सेम 4 इज सेम बट 10th कॉलम इज यहां सेम है तो सेम नंबर रहा बट 10 का कॉलम हेयर 2 एंड हेयर 1. सो द लार्जर नंबर इज we have to put the sign here larger number. So the larger number is here 63,412. तो obviously ये जो large number है वो ये इस तरह से हम sign लगाएंगे तो ये sign हमें ये बता रहा है this number is larger than this number that number. Okay? फिर से this number is larger than that number. This number is 63,000 है यहाँ पे 63,000 है यहाँ पे 63,000 है तो they both are equal. यहाँ 400 है यहाँ भी 400 है equal. But यहाँ 21 है और यहाँ 12 है तो 21 is larger than 12. So this number is large. अब ये जो sign की पहचान है sign ये जो यहाँ पर sign का mouth है ये जो sign है हमने यहाँ लगा greater or smaller मतलब ये जो बैक है इस साइन की जो बैक है बैक के बाद वाला जो अक्षर है वो स्मॉलर होता है
और जो साइन का माउथ ओपन जिस साइड में होता है वो नंबर लार्जर होता है। तो गाइस आपने लार्जर नंबर, स्मॉलर नंबर, ये सब आपने रीड किया, आपने लास्ट क्लासेस में रीड किया इस क्वेश्चन को। ये चैप्टर जो है एक तरह से रिवीजन चैप्टर था, थर्ड में, फोर्थ में, सेकंड में, बस आपका ये था कि लेवल जो था वो स्मॉल था। तो प्यारे बच्चों आपने इस टॉपिक को नंबर्स के बारे में डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, शॉर्ट नंबर, सर्कल द लार्जर नंबर, ग्रेटर नंबर, राइटिंग वर्ड्स, राइटिंग नंबर, हर चीज आपने इस चैप्टर के माध्यम से आपने सीखा। और डू प्रैक्टिस एट होम, यू विल डू दिस 1 to 5 सम्स, पेज नंबर 1 कंप्लीट यू विल डू इन योर HW होमवर्क। तो होमवर्क इज हियर, होमवर्क डू 5 सम्स, 1 to 5 इन योर HW नोट। Okay guys, this is